मूवी का स्टार्ट 1973 में होता है, जहाँ पर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर एक गोरिल्ला दिखाया जाता है जिसका नाम आइवन होता है। और यहाँ पर हमें वो गोरिल्ला यानी आइवन अपनी कहानी बता रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। अब बढ़ते हैं गोरिल्ला की स्टोरी की तरफ, जहाँ पर वो गोरिल्ला यानी आइवन बताना शुरू करता है कि किस तरह वो और उसके कुछ फ्रेंड्स बिग टॉक नाम के एक मॉल में लोगों को एंटरटेन करते थे। उनका रिंग मास्टर यानी उनका लीडर एक आदमी है जिसका नाम मैक है और वो अपने सारे एनिमल्स को बहुत प्यार करता था। यहाँ पर हमें आइवन के कुछ बेस्ट फ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे कि बेसबॉल खेलने वाली एक मुर्गी, उसके बाद एक सील और एक ट्रक चलाने वाला प्यारा सा रैबिट, एक होती है उनके ऑनर मैक की पेट डॉगी जो कि बहुत क्यूट होती है, एक होती है एलिफेंट जो कि आइवन की सबसे पुरानी फ्रेंड थी, और लास्ट में एक छोटा सा डॉग होता है जो काफी सालों से छुप कर रोज रात को आइवन के केज में सोने आता है और वो आइवन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, उसके सबसे करीब होता है। मैक का एक एम्प्लॉय था जिसकी बेटी जूलिया रोज अपने फादर के साथ मॉल में आती थी और अपना सारा टाइम आइवन के साथ स्पेंड करती थी। फिर एक दिन मैक की बातों से आइवन को पता चलता है कि उनके शो से इतनी कमाई नहीं हो रही कि मैक ये मॉल चलाए। फिर रात के टाइम आइवन अपनी एलिफेंट फ्रेंड को कह रहा होता है कि इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे शो की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, और तब वो एलिफेंट कहती है कि मैं भी तुम्हारा इसमें साथ दूंगी। फिर नेक्स्ट डे आइवन शो में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शो में अभी भी बहुत कम लोग हैं। मैक का सिक्योरिटी गार्ड उस छोटे से डॉग को आइवन के केज से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्योंकि वो आइवन से डरता था तो उसे देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। इसके बाद वो बच्ची जूलिया आइवन को कुछ क्रियॉन्स कलर और एक पेपर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि आइवन को ड्राइंग में काफी इंटरेस्ट है। तब आइवन शीशे पर एक फ्लाई को देखता है और उसे देखकर वो पेपर पर उसकी ड्राइंग बना देता है। अब यहाँ पर उस डॉग को कुछ समझ नहीं आती कि आइवन ने क्या बनाया है, लेकिन वो उसकी ड्राइंग स्किल्स देखकर इंप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट डे वो बच्ची जूलिया फिर से वहाँ पर आती है और वहाँ पर उसे आइवन की ड्राइंग दिखती है और वो अपने फादर को भी आइवन की ड्राइंग दिखाती है और ये भी बताती है कि आइवन ने एक फ्लाई बनाई है। तब आइवन ये देखकर हैरान रह जाता है कि जूलिया उसकी ड्राइंग को समझती है। अब काम कम होने की वजह से बाकी शॉपकीपर्स भी मॉल को छोड़कर जाने लगते हैं और इस बात की वजह से मैक को काफी परेशानी होती है। फिर एक दिन उसके पास एक कॉल आती है जिसे सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो डॉगी से मिलने जाता है, जहाँ पर डॉगी उसे बताती है कि आज का शो कैंसिल हो गया है क्योंकि एक नया एनिमल हमारे बीच में आने वाला है, और वो डॉग को कहती है कि प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना अभी, इसलिए ताकि बाकी एनिमल्स को परेशानी ना हो। लेकिन बाहर जाते ही वो डॉग सबको ये बात बता देता है और तब वो सोचते हैं कि शायद शो की पॉपुलैरिटी कम होने की वजह से मैक उनमें से किसी को रिप्लेस करने वाला है। इसके बाद पता चलता है कि वो नया एनिमल बेबी एलिफेंट है जिसे मैक बड़ी एलिफेंट के साथ रखता है। तब मैक उन सबको उस बेबी एलिफेंट के बारे में बताता है और उसे लग रहा था कि शायद वो अपनी परफॉर्मेंस से इस शो में जान डाल देगी। अब यहाँ पर आइवन को उस बेबी एलिफेंट से इरिटेशन होने लगती है क्योंकि वो बहुत बोलती थी और बहुत सवाल करती थी। फिर नेक्स्ट डे मैक आइवन की परफॉर्मेंस को बीच में ही काट कर उस बेबी एलिफेंट को इंट्रोड्यूस करता है। तब ये देखकर आइवन को बहुत दुख होता है। दोनों एलिफेंट्स की जोड़ी से शो में एक बार फिर से लोगों की भीड़ होने लगती है। इसके बाद मैक उस बेबी एलिफेंट की पिक्चर्स भी पोस्टर्स पर लगवा देता है। तब ये देखकर आइवन और वो डॉग जलने लगते हैं। एक दिन जूलिया देखती है कि बड़ी एलिफेंट की पैर में कुछ प्रॉब्लम है। तब मैक उसे चेक करता है और उसे मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए कहता है। अब रात को बेबी एलिफेंट की जिद करने पर बड़ी एलिफेंट उसे अपनी कहानी सुनाती है कि जब वो बेबी एलिफेंट थी तब वो एक बड़े से डिच में गिर गई और तब वहाँ एक लड़की ने आकर उसकी हेल्प की। बड़ी एलिफेंट ये भी बताती है कि यहाँ से बाहर की दुनिया में सब लोग आजाद रहते हैं और वो दुनिया बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर ट्रीज भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, वाटरफॉल्स भी हैं जो बहुत प्यारा लुक देती हैं। उस टाइम ये सारी बातें आइवन भी सुन रहा था और तब वो भी इस तरह की खूबसूरत जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट डे बड़ी एलिफेंट शो पर नहीं जा पाती और तब मैक अकेले ही बेबी एलिफेंट को शो करने के लिए कहता है। तब ये सुनकर वो बेबी एलिफेंट डर जाती है कि मैं अकेली कैसे करूंगी। तब ये देखकर आइवन को उस पर तरस आता है और तब वो उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे अप्रिशिएट करता है, उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद वो एलिफेंट बेबी सबके सामने जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अब रात को बेबी एलिफेंट की रिक्वेस्ट करने पर आइवन अपनी स्टोरी सुनाता है कि जब वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था तब मैक और उसकी वाइफ ने उसे अडॉप्ट कर लिया और मैंने उन दोनों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ा होने लगा तो मैंने उनके बहुत नुकसान कर दिए। अब मैक को तो इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन उसकी वाइफ हम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। फिर उसके बाद मैक मुझे इस मॉल में ले आया और बस तभी से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तब आइवन नोटिस करता है कि वो बेबी एलिफेंट तो सो गई है और तब यहाँ पर बड़ी एलिफेंट आइवन से एक रिक्वेस्ट करती है। वो बताती है कि बेबी एलिफेंट अभी काफी छोटी है और वो अपनी पूरी लाइफ इस केज में रहकर कैद रहकर नहीं गुजार सकती, इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे यहाँ से निकाल कर भगा दोगे ताकि वो भी एक आजाद जिंदगी जी सके जो कि उसका ड्रीम है। और तब आइवन प्रॉमिस करता है कि हाँ
हाँ मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी फ्रेंड यानी एलिफेंट तो मर चुकी है। तब मैक और बाकी सारे एनिमल्स को उसकी मौत का बहुत दुख होता है। इसके बाद आइवन देखता है कि मैक जबरदस्ती उस बेबी एलिफेंट को परफॉर्म करना सिखा रहा है, लेकिन वो बहुत थकी हुई है। तब जूलिया और उसके फादर भी उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मैक किसी की नहीं सुनता। और ये देखकर आइवन को बहुत गुस्सा आता है और वो चिढ़ जाता है, और वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब चाहे जो भी हो, मैं बेबी एलिफेंट को यहाँ से भगा दूंगा। इसके बाद आइवन अपने फ्रेंड डॉग को बता रहा होता है कि हाईवे की दूसरी तरफ एक काफी बड़ा जंगल है जहाँ हम सब आजाद जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद आइवन ड्रॉइंग बनाता है जिस पर वो एक चाबी भी बनाता है। उसे यकीन था कि जूलिया उसकी ड्रॉइंग को समझकर उनकी हेल्प जरूर करेगी, और नेक्स्ट डे वो ड्रॉइंग जूलिया को दिखाता है। लेकिन इससे पहले कि जूलिया उस ड्रॉइंग को समझ पाती, मैक उस ड्रॉइंग को ले लेता है, और ये देखकर उसे अपने शो के लिए एक नया आइडिया मिल जाता है। वो हर जगह पोस्टर्स लगवा देता है कि आइवन ड्रॉइंग बनाने लग गया है। तब ये सुनकर बहुत सारे लोग उसके शो में आ जाते हैं। अब शो में मैक के बहुत कहने पर भी आइवन कुछ भी ड्रॉइंग नहीं बनाता, और वहाँ से वो चला जाता है, क्योंकि उसके माइंड में बस एक ही बात घूम रही थी कि मैंने जो प्रॉमिस अपनी फ्रेंड एलिफेंट से किया था, यानी बेबी एलिफेंट को वहाँ से भगाना है, तो मुझे उसे पूरा करना है। तब मैक उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसे आइवन के केज में वो डॉग दिख जाता है। इसीलिए वो गुस्सा होते हुए सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि निकालो इसे यहाँ से, और अगर तुमने इसे यहाँ से ना निकाला तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तब ये सुनकर आइवन को एक आइडिया आता है, और वो उस डॉग को सिक्योरिटी गार्ड के पास भेजता है। तब वो डॉग सिक्योरिटी गार्ड को अपने पीछे लगाकर आइवन के केज में ले आता है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड दिखता है कि आइवन तो सो रहा है, इसीलिए वो लॉक खोल के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे आइवन उठ जाता है। तब आइवन को जागता देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर आइवन कीज की मदद से सभी जानवरों को बाहर निकाल लेता है, और जब वो बेबी एलिफेंट इस बारे में पूछती है तो आइवन कहता है कि हम सब एक आजाद जिंदगी जीने जा रहे हैं। लेकिन वो डॉगी उनके साथ चलने से मना कर देती है, क्योंकि वो एक पेट एनिमल है और वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाएगी। इसके बाद वो सभी मेन डोर तक आते हैं जो कि लॉक था, और तब वो डॉग आइवन को उसकी पावर के बारे में बताता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, यू कैन डू इट। और तब आइवन एक ही पंच से उस डोर को तोड़ देता है। फिर वो सभी हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। उधर वो सिक्योरिटी गार्ड मैक को इस सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। अब हाईवे को क्रॉस करते हुए रैबिट का ट्रक फंस जाता है, और तब ठीक टाइम पर आइवन उसे एक गाड़ी से बचा लेता है। वहीं पर एक आदमी उन सभी जानवरों को जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। अब वो एनिमल्स जंगल में आकर बहुत खुश होते हैं, और वहाँ पर वो एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी टेम्परेरी थी, क्योंकि आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि ये कोई जंगल नहीं है, बल्कि एक फैमिली पार्क है जिसके आसपास बहुत सारे घर हैं। और तभी उन्हें ढूंढता हुआ मैक भी वहाँ पर आ जाता है, और वो आइवन को समझाने की कोशिश करता है कि इस तरह करके तुम अपनी भी और बाकी एनिमल्स की जान को भी खतरे में डाल रही हो। और तब आइवन उसकी बात समझ जाता है, इसीलिए वो सारे एनिमल्स दोबारा से मॉल में आ जाते हैं। इसके बाद मैक सिक्योरिटी गार्ड को जॉब से निकाल देता है, और वो अपने एम्प्लॉय यानी जूलिया के फादर को कहता है कि हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा, नहीं तो लोग हमारे शो को बंद करवा देंगे। आइवन उस बेबी एलिफेंट से सॉरी बोलता है, क्योंकि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया था। तब बेबी एलिफेंट उसे असली जंगल के बारे में पूछती है, और तब यहाँ आइवन उसे अपने बचपन के बारे में बताता है। ये वो टाइम होता है जब कुछ इंसानों ने उसे पकड़ लिया था। वो बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जंगल में बहुत खुश रहता था, और उसे से पेंटिंग बनाना भी बहुत पसंद था। उसके फादर उसे एक बहादुर गोरिल्ला बनाना चाहते थे, लेकिन वो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता था, और उसका सारा टाइम या तो पेंटिंग करने में या अपनी बहन के साथ खेलने में मस्ती करने में गुजरता था। फिर एक दिन जंगल में कुछ हंटर्स आए, और मेरे पापा ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट में उन हंटर्स ने मेरे पापा को मार दिया, और मुझे उन्होंने पकड़ लिया और शहर ले आए, जहाँ से मैक ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। तब ये सुनकर वो डॉग कहता है कि इंसान तो शैतान है, जिस पर वो बेबी एलिफेंट कहती है कि नहीं, सारे इंसान बुरे नहीं होते, क्योंकि बड़ी एलिफेंट को एक लड़की ने बचाया था जब वो छोटी थी, और मुझे ये बात तब पता चली जब उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, और जूलिया भी तो इतनी अच्छी है, हमारा इतना ख्याल रखती है। नेक्स्ट डे जूलिया आइवन को कुछ कलर देती है और उसे अपनी बनाई ड्राइंग दिखाती है। वो आइवन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक आर्टिस्ट हो और तुम अपनी ड्राइंग से अपनी फीलिंग शेयर करते हो ना। उसके जाते ही अचानक से आइवन को एक आइडिया आता है, और वो जूलिया के दिए कलर से एक पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट डे मैक एक बार फिर से अपने शो को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर एक रिपोर्टर उसे एनिमल उसके भागने के बारे में पूछती है, जिस पर मैक कहता है कि ये एक फेक न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। जूलिया अपने फादर के साथ लाइटिंग करने में हेल्प करती है। इसके बाद वन बाय वन सभी जानवर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, और सबसे लास्ट में आती है आइवन की बारी, और जैसे ही पर्दा हटता है वहाँ पर रिपोर्टर और सारे लोग काफी शॉक्ड रह जाते हैं। मैक भी जब मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आइवन ने एक काफी खूबसूरत जंगल की पेंटिंग बनाई थी। तब ये देखकर जूलिया उसकी पेंटिंग समझ जाती है, और वो अपने फादर से बात करती है कि आइवन यहाँ से निकलकर जंगल में जाना
आता है, जिस पर जूलिया के फादर कहते हैं कि इसमें मैं तो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और इसके बाद जूलिया उस रिपोर्टर से हेल्प मांगती है और फिर ऐसे करते करते सब लोगों को इस बारे में पता चल जाता है। सभी लोग मॉल के सामने प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि सारे एनिमल्स को आजाद किया जाए। तब ये देखकर आइवन खुश हो जाता है और समझ जाता है कि फाइनली थैंक गॉड उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पर मैक भी हार मान लेता है। फिर एनिमल्स को वहाँ से ले जाया जाता है। सब एनिमल्स एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। फिर आइवन बेबी एलिफेंट को कहता है कि अब तुम बहुत अच्छी लाइफ जीने वाली हो। इसके बाद वो डॉग भी आइवन से लास्ट टाइम मिलने आता है। तब आइवन उसे अपना एक टॉय गिफ्ट में देता है। फिर लास्ट में मैक भी आइवन से मिलने आता है और वो आइवन को अपनी और उसकी बचपन की पिक्चर दिखाता है। तब वो दोनों एक दूसरे से अपनी इमोशनल फीलिंग शेयर करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह देते हैं और आइवन अपनी नई जिंदगी में कदम रखता है। फिर आइवन की आंख एक कमरे में खुलती है, इसीलिए उस जगह को देखकर अग्रेसिव हो जाता है। लेकिन तभी एक डॉक्टर उसे बताती है कि वो यहाँ पर नहीं रहने वाला बल्कि वो कहीं और रहने वाला है। इसके बाद वो शटर उठाती है। तब आइवन दिखता है कि वो एक काफी खूबसूरत जंगल है जिसके बारे में वो अक्सर सोचा करता था। उसे पता चलता है कि असल में ये अटलांटा जू है जहाँ एनवायरमेंट को नेचुरल रखने का पूरा इंतजाम किया गया है। आइवन वहाँ पर अपने जैसे और भी गोरिल्लास को देखता है। इसके बाद वो भागकर ट्री पर चढ़ जाता है। फिर वो बहुत सारे एलिफेंट्स को भी वहाँ पर देखता है। वो देखता है कि बेबी एलिफेंट भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर खेल रही है और यहाँ पर फाइनली उसका वो प्रॉमिस पूरा हो गया था जो कि उसने अपने फ्रेंड एलिफेंट से किया था। और अब यहाँ रहकर वो उस बेबी एलिफेंट का ख्याल भी रखेगा। और इस मूवी की यहीं पर हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।